फिर एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं स्पीड रन करने के लिए। तो इस बार ये दोनों हंटर होने वाले हैं, वैसे हर बार यही रहते हैं। और यार अगर बिना मरे मैंने एंडर ड्रैगन को मार दिया ना तो मेरी जीत होगी, ये तो तुमको पता ही है। लेकिन एक ट्विस्ट है हमारे पास यार, ये पीछे में जो तुमको वो दिख रहा है ना, और एक मिनट, मेयर का साइन कहाँ से आ गया? क्या बात है भाई, लकी चार्म भाई, लकी साइन है, मेयर हर जगह है भाई, तू कैसे उसको रोक पाएगा यार? क्या गजब की बात है, एक मिनट उसके ऊपर मत चढ़। और मेयर ने मुझे बोला है यहाँ पे जो तीन चेस्ट है ना इसके अंदर रखे TNT, और यार जिसकी किस्मत सबसे ज्यादा अच्छी होगी ना उसको वो एक बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छे TNT रखे हैं। तो यार सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, मैं तो ले रहा हूँ भाई बीच वाला भाई। लेकिन यहाँ पे यार नहीं नहीं मैं खड़ा हूँ। और क्या हुआ, क्या बोल रहा है भाई तू? और कहाँ पे भाई चेस्ट? अरे देखो यहाँ पे भी भाई एक चेस्ट में तो यार कुछ ज्यादा TNT है यार तेरा है। और यार डैश टू भी उठा ले, तेरे पास एक ही बचा है, और मैं देखता हूँ। और एक मिनट यार तुमको कौन कौन से मिले यार TNT? यहाँ पे मुझे तो कुछ ज्यादा ही अच्छे मिले वैसे यार भाई, सच में मुझे नॉर्मल वाले बेसिक मिले यार, बेसिक यार वाले ही मिल रहा था मुझे, पता तुझे मिले। अच्छा यार ये बहुत अच्छे हैं। और एक मिनट, बारिश कहां से चालू हो रही है, एक काम करते हैं इसने सब उठा लिया। हाँ? बारिश का थोड़ा सा वेट करता हूं मैं, और उसके बाद हम लोग यहां से स्पीड रन स्टार्ट कर देंगे। तो यार यहां पे सुबह हो चुकी है और बारिश भी रुक चुकी है, तो यार हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं। और ये ले भाई बम भाई, खत्म, क्या फालतू का टाइम पास कर रहा है, और अब यहां पे स्टार्ट होने चालू कर तू, और इसको मारते अभी भाई, रुक जा यार, बच गया मैं अभी, मुझे यहां से जल्दी भागना पड़ेगा, ये लोग पागल हो चुके हैं। और TNT भाई तुम लोग जब तक फेंक के नहीं मारोगे मुझे, वैसे मैं मरने नहीं वाला हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे TNT मिले। और ये सब क्या है, कौन सा अनब्रेकेबल TNT? रुक जाओ, इसको यहाँ पे आग लगाता हूँ और भागता हूँ पहले तो, और देखते हैं यार इसे होता क्या है, कहीं मैं ना मर जाऊँ। कौन सा वाला TNT है ये डैश? ये क्या है? ओ भाई ये क्या है, TNT है सब कुछ, पूरा बेडरॉक हो गया और मुझे डैमेज पड़ रहा है। सबसे पहले तो मुझे भागना पड़ेगा, ट्रैप हो चुका है, मार इसको मार। अरे ट्रैप क्या है, साले का खोपड़ी तोड़। अबे जला के, अबे जल आगे मत मार यार, एक मिनट ये रकून को जला देता हूँ, ये पागल हो जाएगा भाई। यार ये क्या हो रहा है, आग लगा दिया फ्लिक ने। अब जाके दिखा भाई, मिनट भाई रुक जाओ। अच्छा यहाँ पे पानी है, मैं बच जाऊंगा यार, यहाँ से सबसे पहले मुझे भागना पड़ेगा। कैसे TNT फोड़ यार, कोई और डैश यार, टोरेंट TNT फोड़ रहा हूँ यार पानी में कैसे। अबे यार तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, जगह ही नहीं मिल रही है, यहाँ से लगता है मुझे ऊपर भागना पड़ेगा इसको जल्दी तोड़ के। यार TNT लगा देता हूँ, रुक जाओ। और TNT वैसे भी बच कैसे रहा है, रुक रुक इसको फोड़ता हूँ भाई TNT को, भाई तुम लोग खुद मर जाओगे उसके साथ। एक मिनट यहाँ से भागना पड़ेगा मुझे अभी यार, भयानक भाई। अरे भाई कौन विक फेंक रही है? अरे भाई एक मिनट, कौन सा TNT है भाई यहाँ पे, सारे डायनामाइट आ गए भाई, राउंड मर चुका है, फट गया भाई। एक मिनट राउंड मर गया, डायनामाइट फेंक दिया। और एक मिनट क्या डैमेज पड़ रहा है मुझे, और भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पे? अबे रुक जाओ, यहाँ से भागना पड़ेगा। चलो वो मर चुका है और डैश बाकी है, और यार डैश भी पूरा ज्यादा डैमेज हो चुका है मुझे, अब यहाँ से भागना पड़ेगा लगता है मुझे यार। और एक अच्छी जगह मुझे मिल गई ना तो बहुत ज्यादा सही रहेगा, और मैं यहाँ पे ना कोई अलग सा TNT फोड़ के देखता हूँ, क्योंकि यार मैंने ना कोई घर वाला TNT देखा था। तो चलो यार जल्दी से इसको फोड़ के देखता हूँ मैं होता क्या है। और एक मिनट ये तो अभी भी आ रहा है। अबे डैश क्या कर रहा है, तेरे पास इतने TNT कहाँ से आ गए यार? मेरा चेस्ट सबसे ज्यादा भरा हुआ था, भले ही गंदे TNT है मेरे पास, ब्लॉक जैसे यूज कर रहा हूँ TNT को, राहुल पीछे तोड़ते आएगा भाई। डैश पूरा पागल हो चुका है भाई, ये तो TNT से पार्कोर कर रहा है, भागना पड़ेगा, पूरा पागल हो चुका है। तो दुनिया फोड़ देगा तू, उसको जल गया वो गलती से तो। अरे राहुल पीछे तोड़ते आ रहा, टेंशन मत ले, राहुल कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने यार। ये दोनों कोऑर्डिनेट शेयर करके खेल रहे हैं, कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया है गेम यार। सबसे पहले तो मैं यहाँ से भागता हूँ, और सबसे पहले इससे पीछा छुड़ाता हूँ यार, पीछे देखते रहे पीछे। अबे भाई रुक जाओ, लगता है मुझे इसको मारना ही पड़ेगा भाई, ये जलने वाला है। चलो गया ये, इसका काम खत्म होगा। अरे नहीं मारा उबड़े में, ये देख पीछे दे रहे पानी में यार, जाना पड़ेगा इसके अंदर। और एक मिनट रुक जाओ यार, ये देख नहीं सकता मुझे पानी को यार, देख सकता हूँ। अबे तू खुद मरेगा भाई, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। अरे यार शिट, अरे मैं नहीं मरने वाला भाई। और एक मिनट भाई मर गया खुद से यार, भाई मुझे लगा तू उसके नीचे दबा हुआ है, तू था कहाँ पर? अबे तुझे ऐसा लग कैसे सकता है भाई, मैं उसके नीचे दब के मर जाऊंगा। रुक जाओ यार, मैं जल्दी से यहाँ से निकल के भागता हूँ अब यार। फालतू में इन दोनों को मैंने मार दिया है, वैसे फालतू में नहीं यार, अच्छा तो हुआ वैसे इनको मार के। तो अब जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ आगे की तरफ। और एक मिनट भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, यहाँ पे खाने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन एक मिनट यार, यहाँ पे मुझे सैपलिंग मिली है यार, इसका तो कुछ होगा नहीं। लेकिन ये क्या है, एनिमल TNT? रुको इसको फोड़ के देखता हूँ क्या निकलता है इसमें से, शायद एनिमल निकल जाए तो इनको मैं जला जला के मार सकता हूँ यार। देखते, अबे ये कौन सा एनिमल है? अबे भाई गलत कर दिया, यहाँ से भागना पड़ेगा मुझे। एक मिनट यार, गया मैं, इतना बड़ा ज़ॉम्बी, और ये क्या है, कौन सा स्लाइम आ गया? भागो यार, ये प्रॉब्लम है, एक तो भाग भी नहीं पा रहा हूँ यार मैं ज्यादा तेज से, जल्दी भागता हूँ नहीं तो ये मुझे खा जाएगा भाई। तो चलो यार अच्छा हुआ मैं कम से कम वहां से निकल तो गया। और ये जो TNT है ना यार, मेरे कोई काम नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं इसको फेंकूंगा नहीं। और यार देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। एक मिनट, फार्मिंग TNT, ये क्या है? रुक जाओ, इसको मैं यहाँ पे जला के देखता हूँ, दो जला देता हूँ एक साथ, और थोड़ा दूर भाग जाता हूँ यार, ब्लास्ट हो सकता है। एक मिनट, अबे भाई यार यही तो चाहिए था, क्या बात है यार, खाने का जुगाड़ हो चुका है मेरा। तो रुक जाओ, अभी ये एनिमल TNT को मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्या पता बाद में काम आ जाए, इसलिए मैं उसको फेंक नहीं रहा हूँ। और ये देखो यार, यहाँ पे बहुत सारे कैरेट आ चुके हैं, तो इन सबको मैं खाता हूँ और अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे। और यार क्या गजब का स्पीड रन चालू है यार। और मैं देखता हूँ यार ये दोनों है किधर, और थोड़ी देर में ना हम लोग डैश और राहुल के पास वापस से जाएंगे उनको फोड़ने के लिए, क्योंकि यार मेरे पास ना यहाँ पे और बहुत सारे खतरनाक TNTs है यार। ये देखो भाई, एक का नाम ग्लोबल डिजास्टर है भाई, ये जब फूटेगा ना यहाँ पे सब हिल जाएंगे। तो एक काम करता हूँ, जल्दी
जल्दी से मैं यहाँ पे पूरे वीट वीट उठा लेता हूँ जो जो चीजें काम की है और उसे ब्रेड बना लेता हूँ और फिर यार ढूंढता हूँ किसी विलेज को और फिर यार देखते हैं कि होता क्या आगे। और यहाँ पे जितने भी विलेजर है ना उनके ऊपर तो मैं सबसे पहले एक बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ। तो चलो यार सब तो मैंने उठा लिया है और ये जो फार्मिंग टीएनटी ना इसको मैं अपने पास रखने वाला हूँ और देखता हूँ यहाँ पे और क्या है। यार ये तो सही था और भाई ब्रिक हाउस टीएनटी यार इससे शायद कोई घर मिल जाएगा मुझे तो रात को सोने के लिए हमारे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे स्पीड रन चालू है लेकिन मैं यहाँ पे आराम से सो भी सकता हूँ और देखते हैं यार कैसा घर बनता है इसमें से। और भाई सही हुआ यार अच्छा हुआ मैं यहाँ तक हट गया, गलती से मैं अगर वहाँ पे रुका रहता ना तो मौत हो जाती मेरी। और देखते हैं यार घर के अंदर भी कुछ काम की चीज है कि नहीं। और एक मिनट चेस्ट तो पूरा खाली है लेकिन ये सब काम का है। लेकिन यार मुझे ना ये सब की कोई जरूरत नहीं है भाई क्योंकि यार मेरे पास ना एक बहुत खतरनाक सा माइनिंग टीएनटी है जिससे मैं डायमंड को माइन कर लूंगा डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही। और यार ज्यादा टेंशन भी नहीं लेने की बात है तो एक काम करता हूँ जल्दी से मैं उसको यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे फोड़ता हूँ। पहले तो ये ड्रिलिंग टीएनटी है इसका नाम, तो इसको फोड़ के देखते हैं इससे होता क्या है। ड्रिल करेगा वो तो पता है मुझे लेकिन देखते यार कैसा ड्रिल करता है। और भाई ये हुई ना कुछ बात यार इसको मैं यूज भी कर सकता हूँ इन सबको मारने के लिए। यार एक काम करता हूँ अभी सबसे पहले ना यहाँ से मैं नीचे कूदता हूँ और बहुत सही मैं यहाँ पे केव में आ चुका हूँ। जल्दी से जाके देखते हैं थोड़ा बहुत आयरन वायरन या डायमंड आयरन मिलता भी है कि नहीं यहाँ पे। और एक मिनट यार सामने में एक क्रीपर खड़ा है लेकिन यार मैंने ना ऐसा ही एक डिगिंग टीएनटी जैसा भी कुछ चीज है मेरे पास तो एक काम करता हूँ इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको जला के देखते हैं भाई इससे क्या होगा। भाई क्या हुआ एक मिनट कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा यार ये सिंगल वे में माइन कर रहा है तो यार कोई बात नहीं इसको तो मैं नहीं रखने वाला हूँ कोई काम का नहीं। इसको उठा के फेंकता हूँ मैं और ये जो घर वाला है ना इसको भी फेंक देता हूँ। और रस्ते में ना चलते चलते बहुत सारे टीएनटी मुझे और मिलने वाले हैं तो ये देखो भाई आयरन मिल चुका है। और यहाँ पे ना मेरे पास अभी कोई टूल नहीं है इसको तोड़ने के लिए तो यार थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यार कोई टीएनटी मेरे पास इसके लिए भी है क्या? रुक जाओ थोड़ा ऊपर जाके देखता हूँ जहाँ पे राक्षस लोग नहीं है। तो यार यहाँ पे मुझे कुछ तो मिला नहीं था तो मैं ना जल्दी से ऊपर गया और ऊपर से मैंने बना के ला लिया स्टोन पिकेक्स और एक एक्स और अब जाके फोड़ता हूँ। और एक मिनट अबे यार ये मुझे फोड़ने वाला था भाई। और ये देखो यार ऐसे गरीब लोग इनको मारना पड़ेगा मुझे। एक तो भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ यार हर जगह से क्रीपर क्यों फूट रहे हैं इतने सारे क्रीपर है। एक काम करता हूँ ये एरिया को ना मेरे पास सपाट करने के लिए एक बहुत अच्छा सा एकदम एक टीएनटी है जिसको मैं अभी फोड़ता हूँ। और ये देखो ये पगला नीचे गिर गया चलो अच्छा है। और वो टीएनटी कौन सा था यार? यार ये माइनिंग फ्लैट टीएनटी जो है ना शायद ये वही है और एक फ्लैट टीएनटी है दोनों फोड़ के देखते हैं होता क्या है। इसको सबसे पहले फोड़ता हूँ मैं क्योंकि ये आगे मैं तो थोड़ा दूर जाता हूँ यार कुछ भी हो सकता है भाई बस मरू ना। और एक मिनट भाई पूरा एरिया साफ हो गया क्या बात है यार। वैसे यहाँ के जितने भी ओर्स है ना वो तो मुझे नहीं मिलेंगे तो यार यहाँ से भागता हूँ पहले तो। और एक मिनट यहाँ पे एक और टीएनटी माइनिंग फ्लैट करके तो इसको भी फोड़ के देखता हूँ। और यार बस मरू ना यार मैं मुझे पता नहीं ये सब क्या काम करने वाले हैं। और ये देखो भाई ये सही है और ये क्या आ रहा है अबे ये सब कहाँ से आ गए भाई ये सर्वर मॉडेड भी है मुझे नहीं पता था। इसको सब कुछ उठाता हूँ और यहाँ से भागना पड़ेगा पहले तो। और रुक जाओ यार सबसे पहले मैं अपने आर्मर बना लेता हूँ एक और जल्दी से थोड़ा और नीचे की तरफ जाता हूँ क्योंकि यार मुझे डायरेक्टली ना डायमंड चाहिए तो सबसे पहले एक आयरन का टूल बनाना पड़ेगा मुझे उसके लिए तो इसको मैं जल्दी से तोड़ के रखता हूँ अपने पास और डायमंड की तलाश में निकलता हूँ यार मैं सबसे पहले तो। यार यहाँ पे देख सकते हो तुम मैंने जगह क्या हालत कर दिया है सिर्फ मैंने यहाँ पे चार टीएनटी फोड़े और ये देखो भाई पूरी जगह खुल चुकी है और अभी तक वैसे मुझे डायमंड नहीं मिला। और एक मिनट ये कौन सा मॉड है पता नहीं यार मुझे नहीं समझ रहा है ये सब भाई पूरा मॉडेड वाला सर्वर है। तो ये सब सारे फालतू के जो ओर्स है ना इसको मैं नहीं तोड़ने वाला। और एक मिनट यार यही तो चाहिए था क्या बात है चलो आखिर यार मुझे मिल चुका है तो इसको जल्दी से मैं तोड़ता हूँ यहाँ पे। और पहला डायमंड का ब्लॉक हमको मिल चुका है। और थोड़ी देर पहले ना मुझे डैश और राहुल की आवाज आई थी ऊपर में शायद वो लोग ना इसके ऊपर ही और वो लोग कभी भी यहाँ पे मेरे पे अटैक कर सकते हैं तो उससे पहले ना मैं जल्दी से यहाँ पे आर्मर बना लेता हूँ एक। यार अभी ना मैंने कुछ ज्यादा ही माइनिंग कर दी है यहाँ पे और ये देखो यार मेरे पास 41 डायमंड हो गए और यार इसकी तो कोई कमी नहीं है। और सोचो यार मैं गेम में अपना आर्मर पहला बनाने वाला हूँ और वो भी डायरेक्टली भाई मैं सीधा बनाऊंगा अभी डायमंड का। और ये देखो भाई बच्चों के जैसा डायमंड मिल रहा है मुझे यहाँ पे बिना रुके वो भी। ये क्या कर रहा हूँ भाई मरूंगा भाई पता नहीं कैसे तैसे बच गया मैं चलो वहां से तो। और यार भाई बहुत अच्छा हुआ कि मैं बच गया यहाँ पे मुझे पानी मिल चुका था वहाँ पे। तो अभी जल्दी से ना यहाँ पे थोड़े बहुत और डायमंड है इसको भी तोड़ लेता हूँ ये आखिरी मेरे डायमंड है तो इसको तोड़ता हूँ और इसके बाद निकलते हैं। भाई ज्यादा लालच करूंगा यार इसी हालत में मरूंगा मैं क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छा खाने के लिए भी नहीं है। यार ये लोग भाई परेशान अलग कर रहे हैं यार अभी जल्दी से मैं उसको तोड़ता हूँ और चलता हूँ ऊपर। और उसके बाद यार मुझे अभी डैश भी दिखा था यहाँ से लेकिन उसका ध्यान नहीं था हमारे तरफ और वो यार मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। अब यार इसको जल्दी से तोड़ता हूँ मैं। और ये देखो यार मेरे पास पीछे बाबा आ चुका है अभी ये कहाँ से आ गया अब शिट यार ये अटैक कर रहा है मुझ पे। रुक जाओ मुझे यार जल्दी से इसको खाना पड़ेगा। और एक मिनट तू स्लोनेस कहाँ से लगा के आ गया भाई? अरे विलेजर से खरीदा हूँ मैंने भाग कितना भागेगा यार ठीक है तू उसको मार भाई बस मैं पहुंच गया। अरे क्या मारता इसको गरीब को मैंने स्लो कर दिया जल्दी है यार यार इसको ये जला दूं पिछले बार इससे मरा था और देखते अभी होता है कि नहीं कल की अवतार। एक मिनट यार ये क्या डॉच कर रहा है अभी कुछ नहीं हुआ इसको भागना पड़ेगा ये पूरा ट्रेन हो गया है इस बार। एक काम करता हूँ यार यहाँ पे ना सबसे पहले यहाँ पे घुसता हूँ मैं। और ये सब क्या है भाई ये वाली जगह में स्पॉनर किधर गया मुझे नहीं पता रुको एक काम करता हूँ यहाँ पे ना जल्दी से एक ड्रिलिंग टीएनटी लगाता हूँ। चल आजा भाई तेरे अंदर हिम्मत है तो आजा अब आ गया ले अभी यहाँ से कहाँ से आ गया भागो यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे भाई अरे अरे भाई बच गया मैं यार तू कहाँ गया ये नीचे गिरा है शायद डैश रुको यहाँ से जाके देखता हूँ। और तू बच गया है क्या भाई वो देखो ये अकेला खड़ा है यहाँ पे। रुक जाओ यार एक यहाँ पे और फोड़ता हूँ यार ये वाला टीएनटी नहीं अबे मार देगा भाई तू यार ये नीचे है वो ऊपर भी नहीं आ सकता तेरे पास कोई ब्लॉक है क्या? भाई कोई ब्लॉक नहीं है यार क्या करूंगा अब मैं शिट यार। यार टोरेंट टीएनटी यहाँ पे लगाता हूँ और इसको जला के जल्दी से नीचे फेंकता हूँ मैं नहीं तो मैं गया भाई यहाँ पे अब। अरे यार अब क्या
क्या होगा भाई मेरा, मैं तो गया काम से। शिट यार, यार तूने गलत किया फ्लिक मार के मुझे। यार तू मरा कहा है लेकिन, एक मिनट यार ये देखो डैश गया भाई। यार क्या बात है यार, मैंने मार दी इसको वापस से वही सेम टीएनटी से। यार ये वाली टीएनटी कुछ ज्यादा ही अच्छी है, और अभी तो ये बड़े वाले जो टीएनटी है ना इसको मैं यूज भी नहीं कर रहा हूँ, तब भी इन लोग की ये हालत है। यार बहुत प्रो समझता तू अपने आपको, अच्छा चेस्ट मिल गया इसलिए। भाई कम्युनिटी का सबसे नूबड़ा बंदा है तू यार, बहुत बड़ा नूब है फ्लिक तू। जिस दिन मुझे जिंदा मिल गया ना भाई, तुझे देखना टीएनटी के बीच में डाल के मारूंगा भाई। ऐसी जगह टीएनटी डालूंगा मर जाएगा तू। यार तेरे जैसे लोग ना सिर्फ बातें करते हैं, जाने दो यार ये मर चुका है वैसे, और ये थोड़ी देर बाद ही आएगा। और मैं जल्दी से ना अब राहुल को ढूंढता हूँ, और उसके लिए ना मैं थोड़ा बहुत ट्रैप बिल्ड करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अभी जाने वाला हूँ एक विलेज में, और देखते हैं यार वहाँ पे क्या है। और शायद राहुल ऊपर ही घूम रहा था क्योंकि मुझे उसकी भी आवाज आई थी यार बीच में। तो चलो यार मैं ऊपर आ चुका हूँ, और एक मिनट यहाँ पे रात हो रही है, और अभी ये टाइम आ चुका है ना कि मैं एक दो टीएनटी और फोड़ता हूँ यहाँ पे एकदम बड़े वाले, जिससे ना राहुल को यहाँ पे आवाज आएगी और वो मेरे पास भागते हुए आएगा, और उतने में ना उसको खत्म कर देंगे। तो यार सबसे पहले मैंने एक आइडिया सोचा कि एक जंगल वाला जो एरिया है ना वो ढूंढता हूँ और वहाँ पे बनाता हूँ कुछ ट्रैप। चलो यार यहाँ पे सुबह हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने वापस से घर बना लिया था रहने के लिए, तो सही है। और मैंने सोचा है ना कि ये जो सामने का एरिया तुमको दिख रहा है ना, यही पे मैं अपना पूरा बेस बनाने वाला हूँ। बेस मतलब यार एक बहुत खतरनाक सा एरिया, जहाँ पे यार राहुल आएगा और खुद ही वो अंदर घुस के मर जाएगा। तो यार मैंने ना बहुत सारे यहाँ पे प्रेशर प्लेट बना लिए थे, तो मैंने क्या सोचा है ना यहाँ पे बीच बीच में ना इस तरीके से यहाँ पे गड्ढा करता हूँ, और इसके नीचे में एक खतरनाक सा टीएनटी रहेगा जो कि यार ये हमारा ब्लू वाला है। और ऐसे रैंडम रैंडम जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीएनटी है ना वो सब लगाने वाला हूँ, जैसे कि यार ये हो गया ग्लोबल डिजास्टर, और ये सब हेक्सागन, और ये क्या क्लस्टर बॉम्ब। यार इसको यूज करके देखते हैं। एक तो मैंने ये लगा दिया है, इसके ऊपर मैं प्रेशर प्लेट रख दूंगा, और उसके ऊपर सैंड ला के रख देता हूँ। और ऐसे ना यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे करने वाला हूँ, और उसके अंदर मैं ना पूरे टीएनटी लगाऊंगा, और फिर ना हम लोग वहां से छुप के देखेंगे कि राहुल है किधर। यार ये देखो भाई यहाँ पे मैंने पूरा टीएनटी को लगा दिया है, ज्यादा नहीं लगाया लेकिन थोड़े बहुत है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि राहुल इसको आ जाए तोड़ने के लिए, क्योंकि यार यहाँ पे सर्वर के अंदर ना बहुत सारे टाइप के अलग अलग मॉड है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक बड़ा टीएनटी उठाता हूँ जो कि शायद ये होगा। यार इसका नाम ही कुछ खतरनाक सा है, हेक्साहेड्रॉन। तो एक काम करता हूँ इसको आगे जाता हूँ और फोड़ता हूँ, और इसकी आवाज से ना वो पक्का है मुझे ढूंढने के लिए आएगा। और एक मिनट भाई यहाँ पे विलेज भी है यार, जान दो थोड़ी देर में यहाँ पे भी जाएंगे हम लोग। उसके बाद ना ये साइड में बम फोड़ता हूँ, और देखते हैं राहुल को आवाज आती है कि नहीं, क्योंकि यार वो आजू बाजू में मुझे कल रात को भी दिखा था। यार रुको, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसके ऊपर ना जल्दी से आग लगाता हूँ, और यहाँ से भागता हूँ पहले। तो यार इसको जल्दी से मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसको जलाता हूँ, और एक मिनट ये क्या हो रहा है भाई, और यहाँ पे बियर भी है। सबसे पहले मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, और ये बियर मरने वाले शायद। एक मिनट यार, ब्लास्ट की आवाज तो बहुत अच्छी है ये। यार टीएनटी छोटा सा था लेकिन यार शायद राहुल को आवाज आई होगी। तो यार जल्दी जाके देखता हूँ यार वो उधर में आ रहा है कि नहीं, शायद ना वो आएगा पक्के से भागते हुए हमारे पास। तो यार यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ, और एक मिनट देखता हूँ यार वो कहीं है क्या यहाँ पे। यार दिख तो नहीं रहा है कहीं पे, और यार यही कहीं पे भाई अभी बॉम्ब फूटने के आए भाई मुझे, और यार यही कहीं पे ना मुझे यहाँ पे फ्लिक का नेम टैग भी दिख रहा है, यानी कि भाई ये यही कहीं आसपास में। और यार उसके पास ना भाई अच्छे वाले बॉम्ब भी थे, यहाँ तो भाई ये वाला काम शायद फ्लिक का ही है। और भाई एक मिनट यहाँ पे घर भी है, और यार ये घर किसका होगा। अरे भाई जान दो अभी, मैं वहां तो नहीं जाऊंगा। और भाई एक मिनट यार यहाँ पे कौन सा ले ब्लॉक आ गया नए। और यार एक मिनट यहाँ पे तो भाई बहुत एकदम वो है प्लेट है, और उसके नीचे में सैंड है। और यार लगता है कि भाई ये यार कोई ना कोई ट्रैप है यहाँ पे। और यार देखो यहाँ पे ना इतनी मेहनत करने के बाद भाई मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ शील्ड, और इतना सही वाला आर्मर भी है। और यार अगर ये गलती से ट्रैप निकला ना तो भाई मेरी तो यहाँ पे मौत पक्की है। तो एक काम करता हूँ भाई, अभी मैं इसको यहाँ पे तोड़ना स्टार्ट करता हूँ। और भाई एक मिनट यार यहाँ पे तो भाई सैंड गिर चुका है। और एक मिनट, ओ भाई एक मिनट यार यहाँ पे मैं फेंकता हूँ पहले तो एंडर पल। भाई ये देखो क्या होगा उसके साथ यार, मरने वाला है। यार शिट, मैंने यहाँ पे फेंक दिया था यार, लेकिन ज्यादा दूर जाके ये गिर गया यार। यार ये देखो तो यहाँ पे गिरने से मौत हुई है मेरी। और भाई फ्लिक का था यार ये वाला ट्रैप। भाई राहुल पकड़ा गया है, और यार क्या गजब की एयर स्ट्राइक हुई यहाँ पे। और ये देखो यार हमारे टीएनटी अभी तक काम कर रहे हैं, और ये देखो यार पूरा एरिया बर्बाद हो चुका है। यार राहुल की तो बहुत ज्यादा नूब जैसी मौत हो चुकी है। तो यार अभी मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, और यार बाजू में एक विलेज था, अभी जाके इन लोग को लूटता हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे जल्दी से नेदर में। और देखता हूँ यार विलेज के चेस्ट में ना हमको बहुत अच्छे अच्छे और टीएनटी मिलने वाले, तो उसको भी हम लोग यूज करेंगे वैसे। और यार बहुत ज्यादा मजा आ गया यार इसको मार के, तो कुछ ज्यादा ही अच्छा अटैक हो गया हमारा। यार ये विलेज में पहुंच चुका हूँ, अब जल्दी से ना यहाँ पे मैं एक एक घर को छान मारता हूँ। यार जल्दी से यहाँ पे देखता हूँ, लेकिन यार एक मिनट यहाँ पे तो चेस्ट ही नहीं है। यार किन गरीब विलेजर के घर पे आ गया मैं, और यहाँ का गेट किसने खोला था भाई। यहाँ पे आया था क्या राहुल डैश में से कोई, शायद हो सकता है डैश आ गया हो वापस, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया उसको मारे हुए। और अरे यार ये सब क्या फालतू बना यहाँ पे। और यार ये गरीब भाई कैसा विलेज है, किसका है, भिखारी रहते हैं यहाँ पे। भाई एक चेस्ट मिला लेकिन ये क्या है, कुछ भी नहीं है। चलो ब्रेड तो मिला कम से कम, नहीं कोई तो ना मुझे यहाँ पे बोनस चेस्ट मिल सकती है, क्योंकि यार बहुत ज्यादा काम की होगी सच बताऊं तो। और ब्रेड वेड मिल रहा है यार, सही चीज है, इतना भी अभी के लिए काफी है। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है ना, तो यार ये विलेज को ना मैं बहुत बुरे तरीके से उड़ाने वाला हूँ सच बताऊं तो, क्योंकि यार मेरे पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक टीएनटी वैसे भी पड़ा है एक। यार जल्दी से यहाँ पे लूटता हूँ मैं, और ये सब चेस्ट। भाई एक मिनट यार, खाने के आइटम तो मिल रहे हैं यहाँ पे अच्छे खासे, यार बहुत अच्छी लूट मिल गई है वैसे। लेकिन यार मुझे टीएनटी चाहिए भाई, और जिससे मैं ट्रैप बना पाऊंगा उन दोनों के लिए। यार जल्दी से यहाँ पे जाके देखता हूँ, और एक मिनट ये मिल गया भाई मुझे वो बोनस वाला चेस्ट, एयर स्ट्राइक और लावा ओशन टीएनटी। अभी ये क्या है भाई, ऐसा कैसे नाम है इसका, कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है पक्का। तो एक काम करता हूँ यहाँ पे आता हूँ, ये सबको रखता हूँ मैं आगे, और इसको मैंने फोड़ दिया ना तो इसको पीछे रखते हैं, जब बाद में काम आएगा तो देखेंगे। और बाहर चल के आखिरी घर है, इसको भी देख लेता हूँ एक बार। और एक मिनट
भाई विदर स्टॉर्म, अभी ये टीएनटी बहुत ज्यादा रेयर है, तो यार इसको मैं रखता हूँ अपने पास, अभी जाता हूँ सबसे पहले। यार अभी नेदर जाना है मुझे तो सबसे पहले, क्योंकि यार ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास बचा। और ये वाला जो टीएनटी है ना विदर स्टॉर्म वाला, इसको तो मैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए यूज करूंगा, लेकिन एक काम करता हूँ, ये एक वुल टीएनटी यहाँ पे दिख रहा है, फोड़ के देखता हूँ यार कैसा है ये, क्योंकि बहुत ज्यादा अलग टाइप से चमक रहा है ये, तो देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लग रहा है फूटेगा। एक मिनट भाई, ये क्या है भाई, सब वुल हो गया। एक मिनट यार, ये माइनक्राफ्ट कितना सही दिख रहा है भाई। रुक जाओ, एक दो और फोड़ता हूँ, देखते कोई और दूसरा कलर भी आता है क्या, देखते कौन सा कलर आता है इस बार। भाई यार ये देखो यार क्या गजब का दिख रहा है ये। एक काम करता हूँ, थोड़ा इधर में जाता हूँ यार, ये शायद पूरा जो जंगल है ना सेम कलर का दिखने वाला है। थोड़ा बहुत इसको ना मैं ये वाले विलेज के पास में फोड़ता हूँ और देखते क्या होता है यहाँ पे। चलो यार इसको मैंने यहाँ पे बीचों बीच रख दिया, और यहाँ पे काम करता हूँ, थोड़े एक साथ बहुत सारे लगा देता हूँ, और एक साथ ना यहाँ पे सबको लाइट अप करता हूँ मैं। ओ भाई ये देखो यार, इनका घर पूरा बदल गया। अरे यार क्या सही टीएनटी है यार ये तो, मतलब दिखने के लिए अच्छा है, इससे किसी को डैमेज नहीं पड़ता। और ये देखो भाई, ये गेम पूरा चेंज हो गया इससे यार, सही है ये भी। तो चलो यार ज्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ मैं, अभी एक काम करता हूँ, मुझे ना ऑब्सीडियन चाहिए, वो तो यार मुझे केव में मिला था, लेकिन मैंने उसको उस टाइम पे तोड़ा नहीं। लेकिन यार अभी ना मुझे एक बहुत अच्छा सा टीएनटी मिला है, जिसका नाम है लावा ओशन। और अगर लावा ओशन टीएनटी को मैं पानी के अंदर फोड़ूंगा तो क्या होगा भाई। यार मैं जो सोच रहा हूँ, अगर वैसा हो गया ना तो मुझे ऑब्सीडियन अभी यहाँ पे बहुत सारा मिलना चाहिए, तो इसको चलाता हूँ और भागता हूँ भाई, ब्लास्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखते यार क्या निकलता है इसके अंदर से, यार ये फूटने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है वैसे तो। और एक मिनट, सही है भाई यार, यही तो चाहिए था, यार यही तो चाहिए था मुझे। तो एक काम करता हूँ, बाजू बाजू से इसको तोड़ना चालू करता हूँ मैं, और यार मिल गया ऑब्सीडियन। अब जल्दी से ना एक पूरा पोर्टल बनाता हूँ मैं ऑब्सीडियन का, और उसके बाद यार भागता हूँ नेदर में। तो यार ये पोर्टल को मैंने यहाँ पे बना दिया, अब जल्दी से इसको लाइट अप करता हूँ और चलता हूँ अंदर नेदर में भाई। और वो देखो क्रीपर आ रहा है भाई, फुट मत जाना बस। अरे भाई निकल जा भाई, बच गया मैं, सही है। एक मिनट भागना पड़ेगा पागल, यहाँ से आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करता हूँ यार, ये जो टीएनटी था ना हमारे पास, ये वुल वाला, इसको एक बार यहाँ पे फोड़ के देखते हैं, और देखते यार क्या कलर आता है। रेड कलर का आएगा शायद, देखते हैं भाई क्या होता है। और भाई एक मिनट यार, मुझे लगा ही था रेड कलर का आने वाला है भाई। नेदर को भी चेंज कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ये लोग भी डर जाएंगे भाई, पिगलिंग के बच्चे पूरे, और पिगलिंग खुद डर जाएंगे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यार ज्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, जल्दी से भागता हूँ, नहीं तो डैश और राहुल आते होंगे। और एक मिनट भाई, ये क्या फोर्ट्रेस बाजू में, भाई मिल गई जगह। चलो यार जल्दी से मैं जाता हूँ अब आगे। यार कुछ मेरे पास सामान तो नहीं है, टीएनटी के साथ ही जाओगे यार। चलो टीएनटी वेस्ट करता हूँ यार, ये वाला नहीं। एक मिनट, सबसे बेकार कौन सा था यार, कोई है क्या मेरे पास फार्मिंग टीएनटी? यार मेरा भी उतना यूज नहीं आएगा शायद, इसको यहाँ पे रखता हूँ और उसको यूज कर लेता हूँ। और आइटम फायरवर्क और ये सब ग्लोबल डिजास्टर तो मैंने अभी तक यूज नहीं किया भाई, यार बहुत कुछ करना बाकी है अभी तो। यार इसको लगा देता हूँ, चलो वेस्ट कर देते, कोई बात नहीं, जल्दी से जाता हूँ मैं अभी इसको लगाते हुए। और अगर अभी गलती से घास ने मुझे देख लिया ना, तो भाई यहाँ पे होने वाला आतंक फिर तो। भाई अगर मैं फूटा ना तो पूरी जगह खत्म हो जाएगी। चलो यार मैं ऊपर आ चुका हूँ, अब जल्दी से ना यार यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लेज है, तो इनको मैं मारना चालू करता हूँ। और डैश और राहुल ना आने वाले होंगे, क्योंकि यार मुझे ना उनकी आवाज आई वो साइड से, वो पोर्टल के पास में ही है। तो ये पूरे ब्लेज को मारने के बाद ना मुझे यार यहाँ पे एक बहुत खतरनाक सा सेटअप करना होगा। वैसे मेरे पास रेडस्टोन है, जो कि मुझे मिल गया था उधर विलेज में से, तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ एक बहुत खतरनाक सा ट्रैप बनाने के लिए। तो हम लोग ट्रैप बनाएंगे उनको हराने के लिए वैसे तो। और ये पूरी जगह पे ना मैं टीएनटी लगा दूंगा, पूरा फोर्ट्रेस फूट जाएगा और वो लोग भी खत्म हो जाएंगे यार, वो लोग जैसे यहाँ पे आएंगे। तो यार मैं एक एक करके अभी ढूंढता हूँ सबसे पहले तो ये उड़ने वाले राक्षसों को, और इन लोग को मार के खत्म करते हैं। तो यार अभी बहुत देर लड़ाई करने के बाद आखिरकार मेरे पास 8 ब्लेज रॉड हो चुके हैं। और वो देखो यार सामने में और ब्लेजेस है। और एक मिनट यार, ये काला वाला आदमी, अभी इसने ना मुझे बहुत गंदा डैमेज दिया था। मैं ना अभी एक कॉर्नर में आ चुका हूँ, और मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पे जो मेरे पास एक टीएनटी था जिसका नाम था ग्लोबल डिजास्टर, तो इसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एक से दो कम से कम। और ये जो पूरा एरिया है ना भाई, ये पूरा सब खत्म हो जाएगा जैसे डैश और राहुल यहाँ पे पहुंचते हैं। क्योंकि ना मुझे यहाँ पे घूमते घूमते एक काले वाले स्केलेटन को मारने के बाद यहाँ पे एक पल्सर टीएनटी मिला, और मुझे पता है यार ये कितना ज्यादा पावरफुल है, और मुझे सिर्फ एक मिला है। तो इसको मैं यूज करूंगा एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, वो भी एकदम एंड में। तो एक काम करता हूँ, इसको जल्दी से लाता हूँ मैं सामने में, और यहाँ पे लगा देता हूँ इसको। और यार कम से कम 3 लगा देता हूँ, चलो ये भी सही है। और यहाँ पे कुछ मेरे पास रेडस्टोन है, तो इसको भी मैं जल्दी से उठा लेता हूँ। और यार इसको ना इस तरीके से यहाँ पे मैं लगाता हूँ। और यार अभी देखना, जैसे ही इसको मैं आगे जाके जलाऊंगा ना एक बटन के दम पे, तो यार ये सब जल जाएंगे एक साथ। ये ठीक है यार, इसको मैं लेके जाता हूँ एकदम लंबे से, और जितना दूर हो सके ना उतना दूर जाऊंगा मैं तो। अभी ये देखो यार, ये वाले एंड तक आ चुका है। और वो देखो भाई टीएनटी इतना दूर है, और मैं ऊपर से जाके देखता हूँ कि डैश और राहुल कब आते हैं। और जैसे ही वो लोग यहाँ से आएंगे ना, वैसे ही मैं इसको लाइट अप कर दूंगा एक बटन के दम पे, क्योंकि यार मेरे पास एक बटन है। तो एक मिनट यार, यहाँ से तो मैं देख ही नहीं सकता उनको। एक काम करता हूँ, इधर साइड से कहीं देखना पड़ेगा यार, ऊपर जाने का रास्ता कहाँ था यार। मैं थोड़ा ऊपर वाला फ्लोर ढूंढता हूँ, और वहां से ना भाग के आऊंगा मैं और जल्दी से इसको जला दूंगा। और वो लोग कहीं पे भी हो यार, यहाँ से कितना भी दूर हो, वो सब मर जाएंगे साथ में, और फिर ना उनका रिएक्शन देखते हैं हम लोग। तो चलो यार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और एक मिनट, अभी यार ये दोनों इधर खड़े हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और यार ये फ्लिक साला है कहाँ पे? और भाई देखो, अभी यहाँ पे शायद आसपास में उनको कहीं पे फोर्ट्रेस भी दिख रहा है, और शायद यहीं पे होगा यार फ्लिक। ढूंढो उसको यार, पकड़ो साले को, जिंदा मारेंगे आज। भाई ये सब कौन राक्षस है? यहाँ से पहले मुझे भागना पड़ेगा, और वो लोग उधर ही खड़े हैं। और एक काम करता हूँ यार, सामने मैंने वैसे तो रिपीटर लगा दिया है, और यहाँ पे स्टोन का बटन लगा के इसको ऑन करता हूँ। और यार जल्दी से यहाँ से भागता हूँ इनको धक्का देके। और यार इसका नेम टैग है यार, और डैश खुद यार इन लोगों ने मुझे देख लिया है, और थोड़ी देर में टीएनटी फूट जाएगा। अरे कहाँ पर है वो यार? यहाँ पे रेड स्टोन है, देख एक बारी भाई, जल्दी से यहाँ से
भागता हूँ मैं और जाता हूँ ऊपर से देखते हैं। फॉलो यार तो काम कर भाई, फॉलो करते हैं इस वाले लाइन यार। नहीं मजा राहुल, मैं तो कहता हूँ मजा यार। अरे यहाँ पे अंदर में टीएनटी है। कहाँ पे यार, मुझे नहीं दिख रहा, कुछ भी कह रहा है। यार ये क्या खतरनाक ब्लास्ट हुआ है भाई। और ये देखो यार नेदर की हालत भाई, पूरा बेडरॉक आ गया यहाँ का भी। और ये देखो भाई एंशिएंट डेब्रिस इतने सारे, भाई ये कौन सी जगह थी भाई, ये क्या है। तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक आदमी निकला यार, ये आदमी क्या है पता नहीं आदमी भाई, लेकिन क्या कर रहा है फ्लिक ये। तो यार इन लोग को मैंने मार के खत्म कर दिया, अब जल्दी से जाता हूँ कुछ एंडरमैन को मार के, जल्दी से जाते हैं एंडर ड्रैगन के पास और उसको मारने के लिए। तो मेरे पास ये सबसे बड़ा टीएनटी अभी बाकी है जिसका नाम है पल्सर टीएनटी, और इसको अगर मैंने फोड़ दिया ना तो वो एक ही उसमें फट जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पे मैं अपनी स्पीड रन चालू करता हूँ और इन लोग को आने में बहुत टाइम लगने वाला है अभी। तो चलो यार मैं अभी बाहर तो आ गया हूँ, अब जल्दी से जो आया हुआ एंडर मैंने पूरे कलेक्ट किए हैं ना, इसको जल्दी से यहाँ से फेंकता हूँ। और एक मिनट ये वो वाले डायरेक्शन में जा रहा है। तो यार एक मिनट यार ये कहाँ गया भाई, यार मैं इसको वेस्ट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, और फालतू में रास्ते में एक दो टूट जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा इधर, और मेरे पास वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे तो मैंने राहुल और डैश को भी बहुत बुरे तरीके से मार दिया है, लेकिन यार फिर भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए ना अभी मैं जल्दी से भागते हुए जाता हूँ वहाँ पे। यार बहुत देर से मैं भागते हुए आ रहा हूँ और ये देखो यार एक भी आयो फेंडर टूटा नहीं मेरा। यार पता नहीं ऐसा कैसे कर दिया मैंने, शायद गेम को पता चल गया कि मैं फ्लिक हूँ, इसलिए ना इसने एक भी आयो को तोड़ा नहीं। तो यार बहुत ज्यादा सही बात है ये तो, यानी मैं इतनी होशियारी मारता क्यों वैसे। और वैसे किधर गया, नीचे गया क्या भाई, नीचे गया शायद यार यहीं पे। जल्दी से खोदना चालू करता हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, और मुझे ना बीच में वापस से डैश और उसकी आवाज आई थी, वो लोग भी ना शायद डायरेक्ट यहीं पे आने वाले हैं। तो जल्दी से खोदते खोदते अब मैं नीचे निकलता हूँ। यार कितना नीचे आना है मुझे, एक मिनट। चलो यार क्या बात है यार, बोलते बराबर ही आ गया मैं, और कहाँ जाना होगा भाई, ऐसा तो कभी कोई नहीं आया होगा। जल्दी से इसको खोदता हूँ मैं, और ये देखो यार इन लोगों ने मारना चालू कर दिया है, मैं नहीं रुकने वाला भाई। अबे यार ये लोग गिरा देंगे मुझे लावा के अंदर फालतू में, यार ज्यादा टाइम नहीं है मुझे छोटे छोटे कीड़ों को मारने के लिए। तो यार मैं जल्दी से लगाता हूँ और अंदर कूदता हूँ भाई। चलो ये बन गया, जल्दी से जाता हूँ अंदर, और भाई मैं पहुंच चुका हूँ। अबे यार उधर जाने के लिए तो ब्लॉक ही नहीं है, एक काम करता हूँ इसको लगा देता हूँ। और यार यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। चलो मैं पहुंच गया हूँ, अब जल्दी से जाता हूँ ऊपर, बीचों बीच जाके ना मैं सबसे पहले वो फोड़ देता हूँ। और एक मिनट, फ्लैट टीएनटी है ना, रुक जाओ इससे चलाता हूँ पहले, तो एरिया खुद ही साफ हो जाएगा यार, चढ़ने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और ये देखो भाई पूरा एरिया ही सही हो गया यहाँ का। एक काम करता हूँ यहाँ पे एक दो और लगाता हूँ, और एंडर ड्रैगन जो है ना वो भी मुझे देख के डर जाएगा भाई कि ये आदमी कर क्या रहा है भाई। ये देखो अरे खुद ही गिर के मर गए भाई, गिर गए कि गायब हो गए मुझे नहीं पता। अरे यार तुमको क्या लगता है मुझे यहाँ पे फोड़ना चाहिए, इसको यहाँ पे लगाता हूँ और जल्दी से चलते हैं बीचों बीच। अब मैं निकाल लेता हूँ अपना मेन वाला टीएनटी जो कि है पल्सर टीएनटी, और यार इसको बीच में जाके लगाता हूँ मैं सबसे पहले। तो यार ये देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और देखते यार ये एंडर ड्रैगन को कुछ होता भी है कि नहीं, इससे बीचों बीच में आग लगाता हूँ। और मेरे पास खुद भागने का ऑप्शन नहीं है भाई, एंडर ड्रैगन अगर नहीं मरा ना तो मैं तो पक्का मरूंगा इससे। यार कितना दूर जाऊं भाई, फूटने वाला है, इसका एनिमेशन ही अलग है कुछ। और ये देखो हुआ डैमेज भाई, एंडर ड्रैगन गया, गया एंडर ड्रैगन भाई, एंडर ड्रैगन गया, अबे मैं भी गया, शिट भाई बच गया क्या मैं, यार भाई मर गया मैं भाई फालतू में। यार मेरा गेम तो यहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन यार एक बार वापस से एंड में जाता हूँ भागते हुए, और देखता हूँ यार उधर में क्या हालत हो गई एंडर ड्रैगन की। यार मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ, और एक मिनट ये क्या है भाई, मैं अभी पहुंचा और ये जगह को क्या हो गया भाई, एंडर ड्रैगन मेरे आने से मर गया शायद, और मैं तो जिंदा खड़ा हूँ यहाँ पे। लेकिन यार तुमको क्या लगता है ये वीडियो में जीता कौन भाई, एंडर ड्रैगन तो मर गया है, और ये जगह की हालत देखो भाई, वो पल्सर टीएनटी ने पूरा खोखला कर दिया यार, यहाँ पे तक गड्ढा हो चुका है, और वो एंडर ड्रैगन भी मर गया। यार ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक दिख रही है अब, यार कुछ ज्यादा ही माहौल मचा दिया मैंने तो इस वाले वीडियो में। लेकिन तुम लोग मुझे कमेंट में जाके बताओ कि तुमको ये वाला वीडियो कैसा लगा, और अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो तुमने कर ही दिया होगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, चलो बाय।